अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम डॉक्टर सैयद शराफत हुसैन, केमिस्ट्री पार्ट वन क्विक रियन क्लासेस के अंदर आप सबका खुश आमदीद। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 गैसेस। इसके मज़ीद जो क्वेश्चन जो हमारे आगे रह गए हैं 15, उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है ड्राई बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगैड्रोस ला एंड ग्राम्स ला यूजिंग KMT। सो KMT के तहत हमने इनको ड्राइव करना है। तो यहाँ देखें जी, बॉयल्स ला अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पास्टुलेट्स ऑफ KMT, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वेरीज डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट गैस फॉर एन मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसके मुताबिक काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है क्लास, वो हमारे पास बराबर होता है K is equal to 1/2 mv². तो इसके बराबर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है। अब चूंकि ये एक मॉलिक्यूल के लिए है ये वाली एनर्जी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एक एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देंगे n से। तो हमारे पास ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी आ गई है, ठीक है। अब ये जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो काइनेटिक एनर्जी, ये भी डायरेक्टली रिलेटेड होगी KT के साथ। कॉन्स्टेंट आया तो यहाँ K आ जाएगा, के इज़ ए प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक आपको मालूम है PV = 1/3 mnc² बार, ये आपने पढ़ा हुआ है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो काइनेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 2 के साथ, ठीक है। तो क्या होगा ज़रा देखिएगा जी, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आता है, तो देखिएगा जी सब बच्चे प्लीज़। 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 बाहर ले आओ और 3 भी बाहर ले आओ, 1/2 mnc² बार। या 1/2 mnc² बार जो है ये अभी हमने मालूम किया किसके बराबर है, KT के। यहाँ KT लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये PV = 2/3 kT। अब यहाँ पर फॉर बॉयल्स ला T भी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर 2/3 kT के लिए हमारे पास एक नया कॉन्स्टेंट आ गया जिसे K- का नाम दिया गया है, ठीक है। सो PV किसके बराबर आ जाएगा, K- के। तो यही हमारे पास बॉयल्स ला है। अब चार्ल्स ला है, चार्ल्स ला के अंदर भी हमने सेम वही चीज़ रखी है कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है, वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी T के 1/2 mnc² = kT। अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन PV किसके बराबर है, 1/3 mnc² बार। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इक्वेशन कुछ यूँ आ जाएगी, 2/3 और ब्रैकेट में लिख दो 1/2 mnc² बार। 1/2 mnc² बार की जगह हम ये KT की जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी यहाँ पुट कर दो, तो ये PV बराबर होगा 2/3 kT, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस P को इस तरफ ले आओ तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, आप देख सकते हैं V = 2/3 kT/P। अब ये जो हमारे पास 2K/3P है, अब आपको मालूम है कि चार्ल्स ला के अंदर प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, तो प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो उसकी जगह एक नया कॉन्स्टेंट आ गया K-, तो हमारे पास जो V है ये बराबर होगा K-/TK जी। क्लास अब आगे देखें जी, अगला हमारे पास है एवोगैड्रोस ला, इसको डिड्यूस किया गया है एवोगैड्रोस ला को। तो ज़रा तवज्जो प्लीज सब बच्चों की, लेट्स टेक 2 गैसेस, इनके 2 गैसेस ले लें 1 और 2 एट सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो सेम प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर हमने 2 गैसेस ली हुई हैं एंड देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर n1 और n2 एंड मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर m1 और m2 और मीन स्केयर वेलोसिटी इनकी है c1² बार और c2² बार। यहाँ पर c1 और c2 नहीं लिखा हुआ, ये देखें c1² और c2² बार। देयर काइनेटिक इक्वेशन, तो वही जो हमने पीछे काइनेटिक इक्वेशन पढ़ी थी PV = 1/3 mnc² बार। यहाँ पर P और V चूँकि हमने कॉन्स्टेंट लिया हुआ है तो दोनों के केस में PV सेम है, लेकिन 1/3 m1 हो गया, m2 हो गया, n1 n2 c1 c2। तो ये हर एक गैस के लिए फॉर गैस 1 और फॉर गैस 2, ठीक है। अब चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उसका मतलब है राइट हैंड साइड भी क्या होगी बराबर। अब ये 1/3 1/3 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी m1 n1 c1² बार और ये होगा m2 n2 c2² बार।
अब एंड द टेम्परेचर ऑफ बोथ गैसेज इज सेम, देयर मीन्स के या मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विल आल्सो भी सेम, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्लास इक्वल हो टेम्परेचर दोनों गैसेस का, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो 1/2 m1c1² और 1/2 m2c2² ये बराबर होगा, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास ये m1 ये 1/2 से कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि m1c1² और m2c2² ये एक दूसरे के बराबर आएंगे, ठीक है। और इस तरह से आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन पे डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आएगा n1 = n2। तो आप देख रहे हैं तो डिफरेंट गैसेस हैं एट सेम टेम्परेचर वॉल्यूम एंड आल्सो सेम टेम्परेचर, सो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, तो उसका मतलब है कि उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम। सो नीचे कहते हैं इन दिस वे इट इज़ प्रूव डैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ एवोगैड्रोज लॉ। जी क्लास अब आगे हम चलते हैं जी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूएंट की तरफ। अब चूंकि ये आपकी उसका हिस्सा नहीं है, आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इसको पढ़ रहे हैं ताकि अगर इसमें से कोई आ जाए तो हमने करना है। सो p = 1/3 mnc² ठीक है, ये काइनेटिक इक्वेशन है KMT से जो मालूम की गई थी। इफ़ वी टेक 1 mole ऑफ अ गैस हैविंग एवोगैड्रोज नंबर, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि हमारे पास 1 mole है, तो n किसके बराबर हो जाएगा, na के, तो यहाँ पर na लिख दिया। अब याद रखो na एवोगैड्रोज नंबर है, और ये जो स्मॉल m है ना, स्मॉल m इज़ दी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है स्मॉल m, रिमेंबर, गौर से ज़रा ये बात देखिएगा, सुने जी, m स्मॉल m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है na के साथ, na क्या है, एवोगैड्रोज नंबर, और एवोगैड्रोज नंबर होते हैं 1 mole के अंदर, किसके अंदर होते हैं, 1 mole में होते हैं एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। तो एवोगैड्रोज नंबर का जो मास होगा, एवोगैड्रोज नंबर के मॉलिक्यूल जो हैं उनका जो मास होगा उसे हम मोलर मास कहेंगे, सो कैपिटल M के बराबर आएगा। तो pv = 1/3 m1c2² ठीक है, c², तो यहाँ पर हमारे पास ये m इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, सो आप इसको रीअरेंज करें तो c² बराबर आएगा 3pv/m। अब टेकिंग स्केयर रूट आप ले लो तो c² ये आप ले लो इसका स्केयर रूट, तो ये बराबर होगा 3√3p/m, ठीक है। अब यहाँ पर ये v ऊपर ज़रब हो रहा है, बटे के नीचे ले आएंगे तो m के नीचे आके ये तकसीम हो जाएगा, तो m/v मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये किसके बराबर आएगा, डेंसिटी के, किसके बराबर आएगा, डेंसिटी के। तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास c√c² बराबर होगा 3p√3p/d, ठीक है। अब चूँकि हमें मालूम है कि जो हम यहाँ पर ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज में प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, तो प्रेशर कांस्टेंट है जिसकी वजह से यहाँ पर c² डायरेक्टली रिलेटेड है रेट के, और यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ देखें जी c² डायरेक्टली रिलेटेड है r के, तो ये c² की जगह हमने सिंपल r लिख दिया, तो r = r डायरेक्टली रिलेटेड है √3p/d। अब 3p चूँकि हमारे पास कॉन्सटेंट प्रेशर होता है, तो कॉन्सटेंट प्रेशर इसको ख़त्म किया जाए, तो जो r है ये डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा, सॉरी इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा √d के, और यही हमारे पास ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन बताता है। तो आपने इसको क्लास इस तरह से याद रखना है। अब आगे चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्लाज्मा, हो इज़ इट फॉर्म्ड, प्लाज्मा क्या है और ये कैसे बनता है। सो प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये मादे की चौथी हालत है। अ गैशियस मिक्सचर कंटेनिंग पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज़ कॉल्ड प्लाज्मा, जिसमें पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हों उसे प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाज्मा बनता कहते हैं। व्हेन सफिशेंटली हाई एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड टू अ गैस, जब हम गैस को बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मैनी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स गेट आयोनाइज, तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके फ्रॉम देयर वैलेंस शेल, इन दिस वे वी गेट प्लाज्मा,
तो अब जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, तो हमारे पास वो मिक्सर बन जाएगा पॉजिटिव आइंस का, इलेक्ट्रॉन्स का, और डेफिनेटली वहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास प्लाज्मा आ गया जी, ये क्लास। इसके बाद है जी, दो टाइप्स होती हैं प्लाज्मा की, राइट डाउन टू टाइप्स। तो प्लाज्मा की दो कौन कौन सी टाइप्स हैं, आर्टिफिशियल प्लाज्मा एंड नेचुरल प्लाज्मा। सो आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, और नेचुरल प्लाज्मा जो कुदरती तौर पर पाया जाते हैं। आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाई आयोनाइजेशन ऑफ अ गैस इन नियॉन साइन। नियॉन साइंस के अंदर हम ये बना सकते हैं। प्लाज्मा एट लो टेम्परेचर इज़ हार्ड टू मेंटेन। लो टेम्परेचर वाला जो प्लाज्मा है उसे मेंटेन करना ज़रा मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि प्लाज्मा इज़ अ वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। लो टेम्परेचर पे वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, बिकॉज आउटसाइड अ वैक्यूम लो टेम्परेचर प्लाज्मा रिएक्ट्स रैपिडली विद एनी मॉलिक्यूल इट इनकाउंटर्स, इनके जिस मॉलिक्यूल से टकराएगा ये उससे रिएक्ट कर जाएगा। सो दिस एस्पेक्ट्स मेक दिस मटीरियल बोथ वेरी यूजफुल एंड हार्ड टू यूज़। कैसे यूजफुल है इसको आगे इंशाल्लाह हम यूजेस में देखेंगे। सो नेचुरल प्लाज्मा एग्जिस्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, आर्टिफिशियल प्लाज्मा एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर, नेचुरल प्लाज्मा एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर वैक्यूम्स के ऊपर भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो नेचुरल प्लाज्मा डज नॉट ब्रेक डाउन और रिएक्ट रैपिडली। ये ब्रेक डाउन भी नहीं होता और ये रिएक्ट भी नहीं करता। क्यों रिएक्ट नहीं करता? बिकॉज इसका टेम्परेचर ही 20,000 डिग्री सी से ज़्यादा होता है। कम से कम 20,000 डिग्री सी टेम्परेचर है। अब 20,000 डिग्री सी के साथ कोई भी शय पानी है या कोई भी आप चीज़ उसके साथ टच करेंगे तो वो क्या कर देगा? सिंपली उसको वेपराइज कर देगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। सो इट वेपराइजेज एनी मटेरियल इट टचेज। तो जिस मटेरियल को ये टच करेगा ये उसको वेपराइज कर देगा। सो नतीजे के तौर पर नेचुरल प्लाज्मा रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अगली चीज़ को वेपराइज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखें जी, राइट डाउन टू एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। सो प्लाज्मा की दो एप्लीकेशन, फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब है और नियॉन साइंस हैं। इट हैज़ लॉन्ग ग्लास ट्यूब फिटेड विद अ गैस, यानी कि गैस है जिसमें हमने एक ग्लास ट्यूब है जिसमें हमने गैस रखी हुई है, विच बिकम्स प्लाज्मा ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे इसमें से करंट गुजारेंगे तो प्लाज्मा बन जाता है। एंड दिस प्लाज्मा प्रोवाइडेड एनर्जी टू पाउडर्ड फास्फोरस कंपाउंड, और पाउडर का बना हुआ फास्फोरस कंपाउंड को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कोटेड ऑन इनर ग्लास वॉल्स डेट कंपाउंड ग्लो गिविंग वाइट लाइट। ये जो आपके घर में अक्सर आपने ट्यूब लाइट्स देखी होंगी तो ये उस चीज़ की बनी हुई होती हैं, ठीक है, फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब की। फिर नियॉन साइंस हैं, अगर आप किसी मूवीज़ वगैरह में अगर आपने देखा हो तो जो बार या डिस्को वगैरह होते हैं, ठीक है, या कोई बहुत ज़्यादा यानी कि लाइटनिंग वाली दुकान है तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ कलर के जो लाइट्स, मुख्तलिफ रंग की जो लाइटें इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, वो नियॉन साइंस की बनी होती हैं। सो दीज आर द ट्यूब्स फिल्ड विद नियॉन गैस, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट नियॉन गैस टू प्लाज्मा, एंड नियॉन प्लाज्मा प्रोड्यूसेस ब्राइट रेड लाइट ड्यू टू विच होल साइन बोर्ड लुक्स ब्यूटीफुल एंड ब्राइट। सो साइन बोर्ड्स में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जिसके बाद है जी, करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या हैं प्लाज्मा से एक्सप्लेन करैक्टरिस्टिक्स। तो याद रखिएगा, हमारे पास जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा मस्ट हैव सफिशेंट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसकी वजह से इट एग्जिबिट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ये रिस्पॉन्स देता है। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द प्लाज्मा जनरेट फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल करंट। तो यहाँ से फील्ड और इलेक्ट्रिकल करंट पैदा हो जाता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। इट रेफर्स टू द डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। दिस कम्प्लेक्स सेट ऑफ इंट्रैक्शन मेक्स प्लाज्मा अ वेरी यूनिक फैसिनेटिंग एंड कम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर। फिर ऑल दो प्लाज्मा इंक्लूड इलेक्ट्रॉन आइंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी भी गुजारता है, तो इसको डेफिनेटली कुछ चार्ज होना चाहिए। लेकिन ये क्या है? मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल। क्यों? बिकॉज इन मेजरेबल क्वान्टिटीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस आर इक्वल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आइंस बनते हैं वो इक्वल होते हैं, इसी वजह से ये न्यूट्रल है हमारे पास। ये अगला सवाल देखते हैं, व्हाट आर आइसोथर्म्स। ये पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। सो आइसोथर्म्स द कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो हमारे पास एक ना कर्व सी आती है कुछ ऐसी, ठीक है। ये अगर हमारे पास ऐसे ग्राफ अगर हम बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्व सी बनती है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर है, इफ़
टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ इंक्रीज, अगर हम इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर जो है हमारे पास इसका, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ आल्सो इंक्रीज, तो वॉल्यूम जो है गैस का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड पी वर्सेस वी ग्राफ जो है, जो कर्व है, ये दोनों एक्सिस से दूर चली जाती है। ये क्लास आपने इस तरह से याद करना है जी। अगला सवाल अब देखते हैं, ठीक है। सो वाई डू वी गेट स्ट्रेट लाइन व्हेन प्रेशर एग्जर्टेड ऑन अ गैस इज प्लॉटेड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि पी और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान अगर हम प्लॉट करें ग्राफ, तो कौन सी स्ट्रेट लाइन क्यों हासिल होती है। एंड दिस लाइन चेंजेस इट्स पोजीशन इन ग्राफ बाय वेरिंग द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज करने से ये लाइन जो है ये अपनी पोजीशन क्यों चेंज कर लेती है, तो इसकी वजह क्या है। तो देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं ग्राफ क्या होता है। देखें, ये हमारे पास है ना, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लेना है 1/v, ठीक है, और यहाँ हमने ले लेना है पी। जैसे ही हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है, ये आई है सपोज T1 के, ठीक है, एट T1। तो अ प्लॉट ऑफ पी, ठीक है, कह रहा है जी, अ प्लॉट ऑफ पी वर्सेस 1/v, यानी कि पी और ये 1/v के दरमियान हमने स्ट्रेट लाइन जो है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे आई है। दिस शोज़ दैट पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आप इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हमारे पास पी ज़्यादा होगा, और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब है पी क्या होगा, कम, ठीक है। तो ज़रा ये देखिएगा जी प्लीज़, ये मेरे पास है वी, ठीक है, ये मेरे पास है 1/v और ये है मेरे पास पी, ठीक है। अब अगर मैं प्रेशर ज़्यादा करता हूँ, बल्कि प्रेशर को मैं सपोज कम करता हूँ, प्रेशर को मैंने क्या किया है, कम, जैसे ही मैं प्रेशर कम करूँगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये जो इनवर्स की वैल्यू है ना क्लास, ये कम हो जाएगी। प्लीज़, प्रेशर कम हुआ है, वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, और 1/v की वैल्यू क्या हो गई है, कम, यानी कि पी कम हो रहा है तो इनवर्स कम हो रहा है। इस तरह से अगर पी ज़्यादा होगा तो इनवर्स भी क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। तो यही आप देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे ही ऊपर से नीचे इनके ग्राफ है ना, यहाँ पर जैसे ये इस पॉइंट के, ज़ीरो पॉइंट के करीब है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, मिनिमम है, प्रेशर मिनिमम है, वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो 1/v का आंसर भी क्या होगा, मिनिमम। तो यही लिखा हुआ है, दिस स्ट्रेट लाइन विल मीट एट ओरिजिन वेयर बोथ पी एंड 1/v आर ज़ीरो एंड द पी गोज डाउन एज इट गैस एक्सपेंड, जैसे जैसे प्रेशर नीचे जाएगा, यानी कि प्रेशर कम होगा, गैस एक्सपेंड करेगी, फॉलिंग अवे टू ज़ीरो एज द वॉल्यूम अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो हमारे पास जैसे वॉल्यूम इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी के करीब जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा, तो 1/v क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो। दिस स्ट्रेट लाइन चेंजेस इट्स पोजीशन बिकॉज बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरीज ऑन वेरिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का डील करने से प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन की पोजीशन भी क्या हो जाएगी, चेंज। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज, कीपिंग टी कॉन्स्टेंट एंड प्लॉटिंग पी वर्सेज 1/v एन अदर ग्राफ, तो यहाँ पर क्लास वर्सेज के बाद 1/v आएगा यहाँ पर, सो पी वर्सेज 1/v एन अदर स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन एंड दिस स्ट्रेट लाइन गोज अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस, गोज अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि अब ये लाइन यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर ये T2 आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर को जैसे हमने इंक्रीज़ किया है तो इस एक्स एक्सिस से दूर चली गई है हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और अगर हम यही टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो ये इसके करीब आ जाएगी लाइन, ठीक है। एंड व्हेन टेम्परेचर इज़ डिक्रीज, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, बोथ द वैल्यू ऑफ पी एंड वी विल डिक्रीज़, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन, दी स्ट्रेट लाइन विल बी क्लोजर टू दी एक्स एक्सिस, और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के क्लोज होगी। ये क्लास, अब अगला सवाल देखते हैं। थ्रो सम लाइट ऑन द फैक्टर 1/273 इन चार्ल्स लॉ, यानी कि चार्ल्स लॉ में 1/273 का जो फैक्टर है ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ देखते हैं जी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखें, हमारे पास क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है चार्ल्स लॉ की, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इनके कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम है ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस,
इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, यहाँ तो ये इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, बाय ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी, यानी कि 0 डिग्री सी पे जो वॉल्यूम है उसके लिहाज से, यहाँ पर क्लास बाय 1/273 आएगा जी। यहाँ पर क्लास से फैक्टर एक मिसिंग है, यहाँ पर आपने इस पॉइंट पे आपने ये 1/273 लिखना है, ठीक है। सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी फॉर एवरी 1 डिग्री सी राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस किया था क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को, कि अगर हम 1 डिग्री सी कम या ज़्यादा करेंगे तो 0 डिग्री सी के ऊपर जो उसका वॉल्यूम है उसके लिहाज से उसमें कमी या इजाफा होगा 1/273 टाइम्स। यानी कि यहाँ उसने कहा है इट मीन्स दैट इफ़ यू हैव 273 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी के ऊपर 273 सेंटीमीटर क्यूब गैस है, ठीक है। कितना 273 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास गैस है और इसका वॉल्यूम हमने इनक्रीज़ किया है बाय 1/1 सेंटीमीटर फॉर एवरी 1 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ा देते हैं तो उसमें जो इजाफा होगा वॉल्यूम में वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। कैसे? अब 273 को मल्टीप्लाई करें 1/273 से तो जवाब 1 आएगा। इफ़ इट इज़ हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो देखो 0 से टेम्परेचर बढ़ा के हमने किया 1, तो 273 था। अब चूँकि 1 डिग्री सी 1 पॉइंट बढ़ाया है तो इजाफा होगा 1 का, यानी कि 273 से 274। और अगर हम 2 डिग्री सी कर देते हैं, 0 से कर देते हैं 2 डिग्री सी, तो अब जो इजाफा होगा ना क्लास वो होगा 2 का। क्यों? क्योंकि हमने कितने का फ़र्क आ रहा है, 2 का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो 273 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2/273 के साथ, और यहाँ पर 273 है, द वॉल्यूम विल बिकम 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैसे आया? अब ये 273 को ज़रब दे दो 273/273 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर 273 आएगा और आप उसको इस 273 में जमा करो तो 546 आंसर आए। इस तरह से अगर आप ये काम करते जाएंगे तो 1 डिग्री सी काम करेंगे तो 1 का कमी हुई है, अगर हम 2 डिग्री सी कम कर देंगे तो 2 की कमी आई है, और अगर 273 डिग्री सी कम कर देंगे, कितना 273 डिग्री सी कम कर देंगे तो कितने की कमी आ जाएगी, 273 की ही कमी आएगी, और उसको माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये यहाँ पर क्लासेस के इम्पोर्टेंस है 1/273 जो फैक्टर है इसके चार्ल्स लॉ के अंदर। क्लास बहुत शुक्रिया, अगले सवाल हम अगले लेक्चर के अंदर अभी डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया क्लास आपका।